दोस्तों 10 नफ्सियाती मसाइल के हल पार्ट 2 नंबर 4। अगर आप मुसलमान हैं या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो आप नमाज या कोई भी इबादत कर सकते हैं और अपने रब के सामने रो सकते हैं, क्योंकि हर चीज इस रब की तरफ से होती है, बस ये शैतान है जो हमें बदगुमान करता है। नंबर 5, अगर कोई आपसे शादी का वादा करके या आपको तलाक दे गया है या आपकी अलहदगी हो गई है तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि असल जिंदगी की शुरुआत तब ही होती है। पहले जिंदगी के मैदान में बेसाखियों के सहारे चल रहे थे, जबकि अब आपको आजादी मिली है तो क्यों ना आप इनका सहारा बन जाए जिनको सहारे की जरूरत है। किस्मत को कोसना, किसी पे बेवफाई का अल्जाम लगाना, इसका क्या फायदा? ये आप रोते हैं या आप ताकतवर बन जाए। नंबर 6, मर्द की निस्बत औरत कमजोर है, ये सब कहते हैं, लेकिन मजबूर औरत जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सिर्फ इसी वजह से सर कर गई, इसने दुनिया को बताना कि औरत जात कमजोर नहीं होती। आप इस चोटी को सर ना करें, लेकिन जिंदगी के मैदान में खुद को कमजोर ना साबित करें, क्योंकि जिंदगी के मैदान में इंसान से नहीं खुद से हारा जाता है।